हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम आपके साथ हमेशा नई प्रॉपर्टी शेयर करते रहते हैं, आज हम जो प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, इट्स अ 14 मरला बिल्डर फ्लोर इन अ वेरी प्राइम सेक्टर ऑफ पंचकुला, जहां पर स्टेडियम आपके नज़दीक है, आपके पास हाईवे की कनेक्टिविटी है, अलॉन्ग विद दैट आपके वो पहाड़ दिखते हैं अपने घर से। आइए अब हम इस घर का हाउस टूर करते हैं। सबसे पहले तो हम इस घर की एलिवेशन देखते हैं, विच इटसेल्फ लुक्स वेरी अमेजिंग। ग्रे के साथ काम किया हुआ है, एंड अगर आप देखेंगे इस घर के अंदर बर्म बहुत ज़्यादा है, तो एक कार आपकी इंडिविजुअल खड़ी हो सकती है बाहर भी। आइए अब हम चलते हैं अंदर। इस घर में एंट्रेंस के लिए जो मेन गेट है, दैट्स अ स्लाइडिंग गेट जैसा आप देख रहे हैं, और सभी फ्लोर्स के लिए इंडिविजुअल टैंक्स बनाए हुए हैं, एंड वहाँ पर आप देख सकेंगे कि मोटर्स लगी हुई हैं। बहुत ही मैसिव स्टिल्ट है। आगे आप जैसे राइट जाएंगे, वहाँ पर आपको एक वॉशरूम मिलेगा, विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइवर्स एंड अदर पीपल। आइए अब हम चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। सबसे पहले तो सिक्योरिटी के लिए, जो कि एक मेन कंसिडरेशन है बिल्डर फ्लोर में, यहाँ पर इन्होंने एक वुडन डोर दिया हुआ है, विच कैन बी लॉक्ड एंड लैच्ड, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हैं, देन यू हैव योर लिफ्ट एरिया। दिस इज योर लिफ्ट एरिया। इसी के बिल्कुल साथ इज योर स्टेयरकेस, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर है, स्टे केस में इन्होंने ये स्मॉल लाइट्स लगाई हुई हैं, तो इन केस अगर आपको रात को क्लाइंब अप करना है या डाउन करना है, आपको आराम से स्टेयर केस विजिबल रहती हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था, ये आपकी लिफ्ट आ जाती है, एंड ये 14 मरले का फ्लोर है, सो बेसिकली 3 रूम्स अलॉन्ग विद अ सर्वेंट रूम। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं सर्वेंट रूम को। दिस इज अ वुडन डोर दैट यू गेट इन द सर्वेंट रूम। ये रूम सर्वेंट के लिए एलोकेट कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको स्टडी रूम, ऑफिस रूम, वॉट एवर। इसी के साथ इज योर अटैच्ड वॉशरूम विद प्रॉपर आपको गीजर फिटिंग एंड योर सिंक सब लगा हुआ मिलेगा। सर्वेंट रूम के साथ ही व्हाट यू गेट इज अ बालकनी, सेपरेट बालकनी है फॉर द सर्वेंट, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग एरिया बना सकते हैं या सर्वेंट के लिए कुछ भी जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर आपको एक बालकनी दी है। अगर आप अपने यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करना चाहें तो यू कैन डू इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं अपने मेन घर की एंट्रेंस की तरफ। जैसे कि आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, व्हाट यू सी इज़ अ बिग बिग वुडन डोर, अलोंग विद दैट उसके ऊपर आप देखेंगे एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप प्लेस्ड है। आइए अब हम चलते हैं अंदर। एज यू enter, you get this foyer area, जहाँ पर इन्होंने ये dividing करी हुई है between your dining area and your drawing area। यहाँ पर आप अपने शोपीस place कर सकते हैं या कोई भी decorative item। Along with that, यहाँ पर आप देखेंगे तो drawers भी दिए हुए हैं, तो इसमें आप अपना कुछ सामान इसमें place करा जा सकता है। This is the space for your drawing area। प्रोफाइल लाइट्स एज इट इज आपको करीब ही मिलेंगी पूरे घर के अंदर, एंड यू गेट अ बिग विंडो जिससे कि सनलाइट आपकी पूरी ड्राइंग रूम में प्रॉपर बनी रहती है। और अगर आप देखेंगे द बेस्ट पार्ट इज, इस विंडो से अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, व्हाट यू सी इज द ग्रीनरी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग लुक एंड फील देती है।
देन जैसे ही हम अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, वी एंटर द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में यहाँ पर बिल्डर ने एलईडी पैनलिंग करी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एक एलईडी पैनलिंग के अंदर नीचे आपके ड्रॉर्स बने हैं विच कैन बी यूज फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये बहुत ही स्पेशियस डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है बिल्डर ने, वो हमने देखा था, दैट इज वॉज द ड्रॉइंग रूम, दिस इज योर डाइनिंग एरिया। फॉल सीलिंग्स एज इट इज करी हुई आपको मिलेंगी विथ फैंस एंड एवरीथिंग यू गेट लाइक दिस। अब एक चीज जो डाइनिंग एरिया में बहुत अमेजिंग है इस पूरे फ्लोर्स में, इज दिस ओपनिंग दैट दे हैव गिवन। द एडवांटेज ऑफ दिस ओपनिंग इज आपको प्रॉपर लाइट आपके डाइनिंग एरिया में मिलती है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको डाइनिंग एरिया में यहाँ पर लाइट मिलेगी इस ओपनिंग से, और ओपनिंग भी बहुत मैसिव है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपने देखा पूरा वो ड्राइंग रूम, ये आपका डाइनिंग एरिया। बिल्कुल डाइनिंग एरिया के साथ दे हैव गिवन अ कॉमन वॉशरूम, ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है या फिर आपने खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं तो यू कैन यूज़ दिस वॉशरूम। सारी जगह पे ब्रांडेड फिटिंग्स लगी हैं, अलोंग विद दैट कूलर की फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन के नीचे ये आइलैंड मिलता है, जिसके अंदर आप अपना स्टोरेज स्पेस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल ड्राइंग एंड डाइनिंग इज सेपरेट, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लंबा ये आपको घर लगता है। अब जैसे ही डाइनिंग के सामने आते हैं, व्हाट वी सी इज अ किचन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हाउस का। और इस पूरी किचन के अंदर जो बेस्ट पार्ट है इज दिस अलमीरा। दिस कैन बी यूज एज अ क्रॉकरी अलमीरा, बट हाइड्रोलिक है, सो इट इज़ वेरी स्पेशियस। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिस करके आप इसको ईजिली सामान प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ द बिल्डर हैज प्रोवाइडेड यू अ स्पेस, सेपरेट स्पेस फॉर योर डबल डोर फ्रिज। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस दी गई है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर स्टोरेज पर्पस। दिस कैन बी यूज एज अ डेकोरेटिव और यू कैन यूज इट फॉर कीपिंग योर क्रॉकरी अलमीरा। बेसिकली आप इसको एज अ क्रॉकरी अलमीरा यूज कर सकते हैं। ये आपको दोनों साइड पे मिलेंगी, जो वहां पर देखा था। अलोंग विद दैट आपको यहाँ पर ये चिमनी प्रोवाइड हो रही है, एंड दिस इज योर वाइट काउंटर टॉप। पूरी किचन आपकी मॉडुलर फिटिंग है, आपको हर टाइप का स्पेस, स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया गया है। छोटे बॉक्सेस, बड़े बॉक्सेस, आप हर तरह का इसमें प्रोवाइड कर, इसमें आप सामान रख सकते हैं। अलोंग विद दैट यहाँ पर आप अपने चम्मच और वो सब चीज़ें रख सकते हैं। तो कोई भी स्पेस अगर आप देखेंगे, वेस्ट नहीं करी गई किचन के अंदर। ये आपकी स्पेस सेपरेट दी गई है, माइक्रोवेव, ओटीजी, एंड दिस इज अ बिगर कैबिनेट विच कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरी किचन बहुत ही स्पेशियस है, फुली लोडेड आपका किचन है। अलोंग विद दैट इसमें बहुत ही स्पेशियस बनाई हुई है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, दे हैव गिवन यू डबल सिंक, एंड बेस्ट पार्ट इज हर जगह आपके पास सेपरेट टैप है विच यू कैन यूज फॉर वॉशिंग। जैसे ही हम किचन से एग्जिट लेते हैं, वी एंटर दी बैक बालकनी। ये थ्रू एंड थ्रू बालकनी है दैट कनेक्ट्स योर रूम्स, दीज आर योर रूम्स एंड दिस इज योर किचन। किचन के बिल्कुल बाहर दे गिवन यू अ वेट एरिया, जहाँ पर आप अपने वॉश कर सकते हैं यूटेंसिल्स। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं, यू गेट इज योर वॉशिंग एरिया, वो है।
यहाँ पर इन्होंने एक ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप अपना सामान प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई डिटर्जेंट एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन कीप इट अप ओवर हियर। अब हम चलते हैं अपने हाउस टूर के आगे, जिसमें आता है हमारा फर्स्ट रूम। वो हमने देखा ड्राइंग रूम, दिस वॉज आवर डाइनिंग एरिया, वी सॉ किचन। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। इसमें आपको एज इट इज वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, फॉल सीलिंग एज इट इज आपको करी हुई मिलेगी। रूम के साइजेस आर वेरी गुड, आप देख सकते हैं। इसी के सामने द बिल्डर हैज प्रोवाइडेड अ कैबिनेट दैट कैन बी यूज्ड आइदर फॉर कीपिंग योर एलईडी पैनल्स और योर शो पीसेस। टच इसमें ड्रॉज हैं ओपन करने के लिए। दीज आर योर बिगर अलमीरास, नीचे आपका फिर स्टोरेज स्पेस के लिए प्रोवाइड किया गया है। इस रूम के साथ इज योर एग्जिट टुवर्ड्स योर मेन फ्रंट बालकनी, जहाँ से आप आराम से शाम की चाय का मज़ा ले सकते हैं। और बहुत ही खुली बालकनी है, इफ़ यू सी ओवर हियर, बहुत ही खुली बालकनी है। ये हमने ड्राइंग रूम देखा था, दैट्स स्पेस ओवर देयर। बहुत ही आपको अमेजिंग चीज़ें करी हुई हैं इस पूरे फ्लैट के अंदर, जैसे कि दिस इज़ योर वॉकिंग क्लोजेट, जस्ट लुक एट इट। अगर आप पूरे घर में देखेंगे आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास स्टोरेज स्पेस ही कमी है। एंड वॉकिंग क्लोजेट के साथ ही इन्होंने यहाँ पर आपको वैनिटी एरिया भी दिया हुआ है विद प्रॉपर ड्रॉज, जिसके अंदर आप ड्रॉज हैं, एंड एक मिरर प्रॉपर आपको ये यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। अलमीराज अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपके अलमीराज में ड्रॉज बने हुए हैं। देर आर थ्री ड्रॉज ओवर हियर, एंड नीचे आपको वहाँ पर स्टोरेज स्पेस के लिए दिया गया है, दैट इज़ अ बिगर ड्रॉर जो फोर्थ वाला है। यहाँ पर आप अपने क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जो बहुत अमेजिंग है, दैट इज़ दी टॉप कंपार्टमेंट, जहाँ पर आप अपने सूट केसेज और एनीथिंग जो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पर इधर एक और अलमीरा बनी हुई है जिसमें थ्री ड्रॉज और इस तरीके से कंपार्टमेंट सेग्रीगेशन करी गई है। एक अलमीरा आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल ड्रॉज कुछ आप और अगर हैंगिंग के लिए आपको स्पेस चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन, और उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कंपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं, यू एंटर योर वॉशरूम, जिसमें अगेन आइलैंड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप अपने टॉवल्स वगैरह डेली आइटम जो यूज़ करने वाली होती हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। दिस इज़ योर सी, बेदिंग एरिया एंड योर शावर। ग्लास पैनलिंग एज इट इज़ आपको करीब ही मिलेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आप ये रूम देखेंगे कंप्लीट है, वॉकिंग क्लोजेट आपको मिलता है, अटैच्ड वॉशरूम आपको साथ में मिलता है, सो बेसिकली आपको सब मिलता है एक रूम में। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रूम की तरफ। ये हमने देखा था डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ, दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम, जो हम अभी रूम देखने जा रहे हैं उसी के साथ बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। दिस इज़ योर सेकेंड रूम, जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पर भी आपको पूरी फॉल सीलिंग एज इट इज़ करी हुई मिलेगी। इसमें भी आपको वॉकिंग क्लोजेट मिलता है विद योर वैनिटी एरिया, एंड जैसे मैंने पहले दिखाया वॉशरूम, वहाँ से आपको डाइनिंग एरिया के साथ ये आपका वॉशिंग, ये आपका वॉशरूम यहाँ पर भी कनेक्टेड है इस रूम के साथ। इसका जो सिंक है इट्स ओवर हियर, और यहाँ पर नीचे आपका स्टोरेज स्पेस मिलता है। इस रूम से जैसे ही हम एग्जिट करते हैं, हम एंटर कर जाते हैं बैक बालकनी में। तो बेसिकली जो बैक बालकनी के साथ है, जो भी मैंने दिखाई थी आपको, वो इसके साथ भी कनेक्टिविटी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ।
This is your third bedroom. फॉल सीलिंग लाइट्स फैंस एज इट इज आपको करे हुए मिलते हैं. इसमें भी आपको LED पैनलिंग करी हुई है. कुछ थोड़ा डिफरेंट इसमें यूज करा गया है आपको स्ट्राइप्स के थ्रू एंड नीचे थोड़ा ड्रॉज अबव द ग्राउंड प्लेस किए गए हैं विद डिफरेंट हाइट के ड्रॉज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ स्टोरेज स्पेस ऑल्सो. और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस रूम के अंदर वो है एक्सटेंडेड पैनलिंग. ये एक यहाँ पर आपका एक शेल्फ टाइप बन जाता है जिसमें आप अपनी बुक्स वगैरह और उस तरीके का आप इवन लैपटॉप भी प्लेस कर सकते हैं, इतनी स्पेस है वहाँ पर. एंड अगेन इसके साथ भी व्हाट यू गेट इज एग्जिट टूवर्ड्स योर बैक बालकनी. AC यूनिट्स के लिए प्रॉपर फिटिंग वगैरह सब करी हुई है. और एक अमेजिंग और यूनिक चीज़ है इस पर्टिकुलर रूम में ऑल्सो यू गेट दी सनलाइट. क्योंकि जैसे मैंने आपको डाइनिंग एरिया में बताया था वहाँ पर आपको वो विंडो रखी हुई थी, यहाँ पर अपने रूम्स में आपको ये वाली विंडो प्रोवाइड की गई है. इसमें भी आपको वॉकिंग क्लोजेट मिलता है. तो अलमीराज आपको हर रूम में प्रॉपर मिलेंगी, ऐसे नहीं कि बाथरूम के अंदर अलमीरा है या अलमीरा बिल्कुल एक अलमीरा बना रखी है. तो प्रॉपर अलमीराज हैं. लेट मी ओपन इट फॉर यू. यहाँ पर भी व्हाट यू गेट इज अ शू ड्रॉर, 3 drawers ओवर हेयर. You can hang your stuff over here as well as you can hang your stuff over here. Upar again is a shelf which you can use for any number of use. And this is your vanity area where you can keep your makeup and other things. Har room mein aapko vanity area diya hua hai jisse ki agar kisi ko taiyar hona hai koi problem nahi aati. Nahi to generally kai rooms mein laga hi nahi hota sink ya कई रूम्स में लगा ही नहीं होता मिरर. एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रोविजनिंग मिल रही है. इस वॉशरूम में एक और अमेजिंग चीज़ है जो इसके साथ अटैच्ड है, इज योर स्टैंडिंग शावर. जी हाँ, इसमें यहाँ पर इन्होंने स्टैंडिंग शावर प्लेस करा हुआ है. दिस इज योर सीट एंड दिस इज योर ग्लास पैनल. गाइस, दिस इज अ वेरी स्पेशियस एंड अ वेरी अमेजिंग एंड अ क्राफ्टेड फ्लोर. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ जो है वो है इसकी लोकेशन. बिकॉज पंचकुला के बिल्कुल प्राइम सेक्टर में है, मेन हाईवे के साथ है. अलॉन्ग विद दैट आपको शिमला कहीं भी जाना है आपको इस पर्टिकुलर फ्लोर से कनेक्टिविटी बहुत आसानी से मिलती है. खुली बालकनीज हैं. गाइज, आप आई होप आपको आज का हमारा हाउस टूर अच्छा लगा होगा. इनकेस अगर आप इस फ्लोर को विजिट करना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट as well as you can call on the given numbers. We'll be happy to assist. Thanks and take care. See you in the next video.